हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि फॉर्म जो भी होगा, जो भी नोटिफिकेशन होंगे, कॉमन एंट्रेंस का हो या रेगुलर एंट्रेंस जो होते हैं उनका, जो होगा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ज़रूर आएगा। ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने आपको दिखाया था कहाँ चेक करना है, कैसे करना है। और ये एक न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। न्यूज़ तो काफ़ी पुराना है, बट इसको समझने की ज़रूरत आपको अभी है, ठीक है? कॉमन टेस्ट फॉर एडमिशन टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम 2021, 2021 से कॉमन टेस्ट जो हो सकता है उसके बारे में क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं सरकार के द्वारा, क्या क्या इसमें मूव लिए गए हैं, कौन कौन से लोग उस कमेटी के मेंबर हैं, ये सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले, हमारा ये जो चैनल है BHU एंट्रेंस पॉइंट, आप किसी भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो उस सब में हेल्पफुल होगा। कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी अगर कॉमन होता है तो सबके लिए हेल्पफुल होगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ तैयारी कर पाते हो। कोई भी कोर्स हो, सबके अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। BHU, BSc एग्रीकल्चर, BA सोशल साइंस, BA आर्ट्स, BSc नर्सिंग, या फिर BA LLB, LLB 3 ईयर कोर्स, कोई भी LLB 3 ईयर हो या 5 ईयर हो, सबके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करवाए जाते हैं। तो जो लोग नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का ऑल जो है वो दबा के कंफर्म कर दें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारी डेली करंट अफेयर्स आती है जिसमें मैं 200 से 300 अलग से करंट अफेयर्स रिवाइज़ कराता हूँ। उस करंट अफेयर्स को अगर आप नहीं देख रहे हैं तो बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं, क्योंकि इस एंट्रेंस में लगभग पिछली बार 12 से 18 तक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछ दिए गए थे। तो आप उसका इम्पोर्टेंस समझ लो, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, ठीक है? तो कितना ज़्यादा लॉस आपको हो रहा है। अभी भी तैयारी है, अभी भी से शुरू करो, काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं बीता है, मेन टाइम अभी ही स्टार्ट हो रहा है। इन अ मूव, चलिए अब इस न्यूज़ को देख लेते हैं। इन अ मूव टू इंटेंडेड टू एंड द टायरनी ऑफ कट ऑफ मार्क्स बेस्ड ऑन क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स फॉर कॉलेज एडमिशन, जो एक मूव लिया जाता था कई सारे यूनिवर्सिटीज, स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा, कि 12 मार्च पे वो एडमिशन ले लेते थे। उसमें होता ये था कि जो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, उन्हें 98-99% नंबर कभी आते ही नहीं हैं। तो जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं उनको दे गेट द एडवांटेज एंड उसकी बदौलत उनका एडमिशन हो पाता था। बट अगर उनका एग्ज़ाम लिया जाए और इन बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाए, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये देखा गया है कि जो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। इसलिए जहाँ भी एंट्रेंस होता है वहाँ ये बच्चे आगे रहते हैं और इनका एडमिशन होता है इन स्टूडेंट्स का, ठीक है? तो इस जो है टायरेनी को, निरंकुशता को दूर करने के लिए द गवर्नमेंट है सेटअप अ 7 मेंबर कमेटी। 7 मेंबर कमेटी बनाई गई थी। रिकमेंड मोडालिटीज ऑफ हाई क्वालिटी एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इसके लिए मोडालिटीज़ बनाई गई थी। 7 सदस्यीय कमेटी जो क्या करेगी, एप्टीट्यूड टेस्ट का रिकमेंडेशन करेगी, ठीक है? उसकी क्या मोडालिटीज़ होनी चाहिए, क्या फॉर्मेट होनी चाहिए, कितने मार्क्स का होना चाहिए, क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ दैट विल बी कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम 2021 टू 2022 एकेडमिक सेशन, ठीक है? इस सेशन के लिए ये किया गया है, ठीक है? अब न्यू दिल्ली, इन अ मूव इंटेंडेड टू एंड द टायरनी, यही चीज़ें हैं। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कंप्यूटर बेस्ड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, पहली चीज़ है। टू बी कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आप जानते भी होंगे, NTA कई सारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक एजेंसी क्रिएट किया है, ठीक है? UGC के अंदर ये काम करती है। विल बी मैंडेटरी फॉर एडमिशन टू ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। देखिए, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था कि अगर कॉमन एंट्रेंस होता है तो क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, उस वीडियो को ज़रूर देखना। उसका लिंक मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा। जिन बच्चों को भी सारी फ्री PDF चाहिए उनके लिए टेलीग्राम इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि व्हाट्सएप पे पॉसिबल नहीं है सबको, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप हैं व्हाट्सएप पे, BA आर्ट, सोशल साइंस, सबके अलग अलग ग्रुप हैं, सब पे PDF सेंड मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बहुत डिफ़िकल्टी आती है। इसलिए आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। सारे PDF मंथ के एंड में लगभग 100 PDF मैं एक साथ भेजता हूँ, जो कि आपके काम का रहेगा, आप उसे रिवीजन कर पाओगे।
ठीक है। तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये मैंडेटरी कर सकता है 2021 से, इस सेशन से। दिस इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2021 टू 2022 सेशन फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। अमित खरे सेक्रेटरी हायर एजुकेशन सेड, उन्होंने ये बात कही थी, सेक्रेटरी जो हैं अमित खरे। देयर विल बी अ जनरल टेस्ट एज वेल एज सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट, दोनों चीज़ें होंगी। एप्टीट्यूड मस्ट फॉर ऑल, ये न्यूज़ कटिंग है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम 2021, 7 मेंबर कमेटी बनी थी, ठीक है, UGC के द्वारा। फॉर्मेट क्या होगा, एप्टीट्यूड एंड जनरल सब्जेक्ट स्पेसिफिक। एप्टीट्यूड में वर्बल, क्वांटिटेटिव, लॉजिक, रीजनिंग होगा, ठीक है, जो रीजनिंग आप जानते होंगे उससे थोड़ा सा पजल टाइप होगा, रीजनिंग भी रहेगा, पजल भी रहेगा, हर चीज़ रहेगा, मैथ्स भी रहेगा, एप्टीट्यूड में सब आता है। एप्टीट्यूड जो है ये मैंडेटरी है सबके लिए, और जो एस्पिरेंट्स होंगे विल बी एबल टू चूज द सब्जेक्ट्स ऑफ देयर च्वाइसेज। और जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, मान लो आपने आपने अगर बीए आर्ट्स का भरा है तो आपको एप्टीट्यूड तो देना ही होगा, इसके अलावे आप जो और भी स्पेसिफिक अपने सोशल साइंस आर्ट्स वाले सेक्शन होंगे उसको आप देंगे, ठीक है। आपको ये जरूरी नहीं है कि बीएससी वाले आप टिक करो, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हो कि इसका एक डिटेल प्रोविज़न कैसे कैसे एग्ज़ाम हो सकता है उसका एक वीडियो लेकर के आऊँ, तो मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा। आप लेट मी नो, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। UGC चेयरपर्सन प्रोफेसर DP सिंह सेड द कमिटी इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट इट्स रिकमेंडेशन विद इन अ मंथ। एक मंथ के अंदर सबमिट करना था बट ये हो नहीं पाया। ऑफिशियल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेड इट वुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू यूनिवर्सिटीज टू इनरोल एस्पिरेंट्स विद एप्टीट्यूड फॉर ए कोर्स एंड ऑल्सो एलिमिनेट्स द नीड टू अपियर इन मल्टीपल एडमिशन एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो मल्टीपल एग्जामिनेशन वो लेते थे वो से बच जाएंगे और एक एग्जाम के तहत वो चुन लेंगे जिसको भी चुनना हो स्टूडेंट्स को। द मिनिमम एलिजिबिलिटी टू बी सेट फॉर द टेस्ट वुड बी इंश्योर द मोर कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। अब ये थोड़ा सा इसमें बोल बच्चन है, इसमें मेन चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि BHU के जो वाइस चांसलर हैं वो भी इस कमेटी के 7 मेंबर की जो कमेटी थी उसके ये मेंबर हैं, ठीक है। 7 मेंबर जो थे इस कमेटी में उसके वाइस चांसलर भी मेंबर हैं। आप इस में पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद 7 मेंबर कमेटी विल बी चेयर्ड बाय प्रोफेसर RP तिवारी वाइस चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब भटिंडा। द अदर मेंबर इंक्लूड VCs ऑफ DU सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ। देखिए यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी नाम है तो इसके भी वाइस चांसलर इंक्लूड हैं इसमें, इस रिकमेंडेशन में। इसके क्या फ़ायदे होंगे क्या घाटे होंगे उसका ठीक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपका जो है नज़र और नज़रिया दोनों चेंज कर सकता है। आपको इस बात को इत्मीनान से रखना होगा कि कम चांस है BHU का एंट्रेंस कॉमन हो, क्योंकि इसकी जो पर्सनल प्रेस्टीज है वो थोड़ी सी धूमिल हो जाएगी, बट फिर भी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जितने लिंक हैं ज़रूर देखिएगा वीडियो, कोई भी कोर्स हो आप सबका प्लेलिस्ट अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।